नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे शासन प्रशासन की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और जाहिर सी बात है, कांग्रेस की सरकार है तो हर एक की उम्मीदें उससे हैं, और ऐसे में नेता कैसा व्यवहार कर रहे हैं, जनता उनसे क्या अपेक्षा रखती है, अफसरशाही कैसे काम कर रही है, इन सभी विषयों को खंगालने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन सब के बीच बीजेपी विपक्ष की भूमिका में कितनी सशक्त है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। अगर मैं बात करूं बीजेपी की तो बीजेपी से महेश शर्मा जी रहेंगे, वो यहाँ बीजेपी का पक्ष रखेंगे। और मैं बात करूं अगर सपाक्ष जी रहेंगे, वो यहाँ सपाक्ष का पक्ष रखेंगे। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में रहेंगे आशीष दुबे जी, वो पूरी जो समीक्षा है वो हमारे सामने पेश करेंगे। और सबसे पहला सवाल महेश जी आपसे कि जिस तरीके की परिस्थितियां इस समय बन रही हैं, कांग्रेस पर तमाम लांछन भी लग रहे हैं, तमाम तरीके के आरोप भी लग रहे हैं, पर इस सब के बावजूद सरकार में प्रशासन में कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसे लेकर जनता आशान्वित है, आपकी क्या भूमिका इस समय होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर तब जबकि जनादेश अभी पूरी तरह आपके पक्ष में नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद तो भरपूर दिया जनता ने, सीटों के लिहाज से हम कम रहे और कहीं ना कहीं हमें विपक्ष की भूमिका जनता ने सौंपी है। एक रचनात्मक और सकारात्मक विपक्ष के तौर पे भारतीय जनता पार्टी सदन से लेकर सड़क तक जनता की बात रखने के लिए प्रतिबद्ध होकर ही काम कर रही है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से सरकार का संचालन माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उनको भी समझ में नहीं आ रहा है। जिस प्रकार से तबादलों का एक दौर चल रहा है, इसके अतिरिक्त जितनी भी योजनाएं मध्य प्रदेश की जनकल्याणकारी चल रही थी उनको बंद करना या नाम बदलकर उनको नया खाका तैयार करना, तो वो भी अभी तक हुआ नहीं है, जनता के सामने प्रस्तुत नहीं हुआ है। चाहे आप देखें दीनदयाल जी, महेश जी, थोड़ी जल्दबाजी नहीं हो रही है? 6 महीने अगर उनको मिले हैं, उसमें से मात्र जैसा वो लोग कह रहे हैं 127 दिन उन्हें काम करने के लिए मिले या 130-140 दिन मिले हैं, तो थोड़ा सब्र भी तो कीजिए। उन्होंने 2-3 योजनाएं अच्छी शुरू की हैं, उनकी भी प्रशंसा कीजिए कि भाई उन्होंने आपकी ये जो कन्यादान योजना थी उसमें और पैसा बढ़ा दिया, उन्होंने भोपाल जैसी जगह में एक ग्रीन सिटी क्लीन सिटी टाइप का एक अभियान चला दिया जिससे वो बिना किसी अतिरिक्त खर्च के, आपके यहाँ तो जितना हो हंगामा होता था पैसा ज़्यादा खर्च होता था और काम नहीं दिखता था, पर दिख रहा है ना कहीं कुछ ना कुछ। तो देखिए प्रकाश जी, किस प्रकार का काम दिख रहा है वो तो जनता भी देख रही है, लगातार तबादलों की लिस्ट सामने दिखाई दे रही है। इसके अतिरिक्त मैं बता दूं आपको, जो आपने बात कही कन्या राशि जो उन्होंने बढ़ाने का काम किया है, निश्चित रूप से हम स्वागत करते हैं श्रीमान कमलनाथ जी का बल्ला भवन की सीढ़ियों पर भी जाके, उनके कक्ष में भी जाके। एक भी कन्या को आज दिनांक तक 51,000 रुपये का केवल प्रमाण पत्र कलेक्टर का मिला है, उसके खाते में राशि नहीं आई है। जिस प्रकार से किसान कर्ज माफी में भी बिल्कुल, सुनिए देखिए, सोशल मीडिया की बात नहीं, आप थोड़ा सा उसको दुरुस्त कीजिए। देखिए क्या है, शासन कोई भी योजना चलाता है तो ऐसा नहीं होता कि पूरी गलती है, ऐसा नहीं होता है। आप ये कह सकते हैं कि आपके जमाने में 1,000 विवाह हो रहे थे, अभी जो है 700 हो रहे होंगे, पर हो रहे हैं। एक बार दूसरा मेरा कहना ये, जो जनप्रतिनिधियों में आपके यहाँ उतावलापन है कि भोपाल प्रशासन ने तय किया कि MP नगर से गुमटियाँ हटा देंगे, नेहरू नगर, न्यू मार्केट, कई जगह से, ताकि आवागमन सुगम हो और साथ साथ उन गुमटी मालिकों को कोई वैकल्पिक स्थान दे रहे हैं। वो हड़बड़ी इतनी है कि आपके पूर्व विधायक धरने पे बैठ बैठ जा रहे हैं, इतना तो जल्दबाजी ठीक नहीं है ना। देखिए प्रकाश जी, जनता की लड़ाई लड़ने के लिए ही विधायक, पूर्व विधायक, सांसद और पूर्व सांसद, ये सारे लोग काम करते हैं सार्वजनिक जीवन में। एक बात, दूसरी बात, तो गलत काम नहीं, गलत काम कहाँ है, आप ये बताइए, किसी गरीब का यदि आप रोजगार छीनने का काम करेंगे, हाँ। आप गुमटी माफिया तो इस प्रदेश में, इस भोपाल शहर में गुमटियों और झुग्गियों को बसाने वाला कौन है, ये आप हम सब भली बात ही जानते हैं। ये कह रहा हूँ, इतनी सदृढ़ता है तो सबको बीजेपी ऑफिस में बसा लो, देखिए गुमटी अलर्ट कर दो वहीं पर, लगेगा भी कि हाँ भैया सबसे ज्यादा हितैषी पार्टी प्रकाश जी नहीं, करेंगे क्या। देखिए प्रकाश जी, गरीब के सुनिए, आप जो, अपना घर साफ रखना चाहते हैं, जो वहाँ व्यवस्थित, देखिए कहीं किसी का घर गंदा करने की बात नहीं है, जो वर्षों से वहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं उनके हक की लड़ाई के लिए यदि बात आई है, बिल्कुल आप उनको विस्थापित कीजिए ना, आप उनको विस्थापित कर नहीं रहे, उनके रोजगार छीनने का काम यदि आप करेंगे तो जनता की
बीच की लड़ाई लड़ने का काम ही तो होता है सारे तो जीवन में, और क्या होता है। अरे साहब ये तो सुनिए कि ये जो आपकी सदृढ़ता अभी उमड़ रही है, इसी चक्कर में आपके सुरेंद्र नाथ सिंह हारे, गुमटी मामा हो गए, वो एक थे जो भयानक मतलब घमंड में थे वो निपट गए। मैं आपसे इतना कह रहा हूँ कि अभी भी ये सिलसिला थम नहीं रहा, कोई झांकी के नाम पे अतिक्रमण कर रहा है, कोई गुमटी के नाम पे, मतलब शर्म नहीं आती, इतने बेशरम टाइप के नेता हो गए आपके यहाँ। देखिए अतिक्रमण किसी भी हाल में किसी के भी द्वारा यदि किया जाता है तो निश्चित रूप से गलत है, लेकिन हाँ अगर किसी के व्यवसाय को चोट पहुंचाने का काम गरीब की झांकी के नाम पे करे तो, यदि कोई अरे सुनिए झांकी के नाम पे करे तो निश्चित रूप से गलत है, उसे हटाया जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है आपने कही। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगा संतोष जी कि सपाक्स उन कमियों को दूर होते हुए देखना चाहती है जो एक विपक्षी दल चाहता है। आपने बनाया तो अपना संगठन आरक्षण को के विरोध में था, पर अब जिम्मेदारी आप पर भी है। अगर आपको लगता है कि बीजेपी कुछ गलत कर रही है तो आपने कभी ऐसी धरना प्रदर्शन आंदोलन मैदान में उतरने की सहमत दिखाई? नहीं, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि अभी हम रोड पर धरना प्रदर्शन के रूप में अभी नहीं प्रारंभ कर पाए हैं, परंतु चूंकि इस लोकसभा चुनाव के बाद से कुछ हमारे लोगों को संगठित कर हमने प्लान किया है, और निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की जो नीतियाँ पेट्रोल डीजल के रेट हैं या जो गुमठियाँ हटाने का एक प्रशासनिक अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे एमपी नगर हो चाहे आपका नेहरू नगर हो, हाट बाजार को शिफ्ट करने का जो अच्छे ट्रांसपेरेंट काम हो रहा है, उसमें हम लोग निश्चित रूप से चाहेंगे कि ये जो दोनों पार्टियाँ सिर्फ वोट बैंक के आधार पर, मतलब जनता चाहती है वहाँ कि इस तरीके के काम ना किए जाएं, भाई उनको रोजगार किसी का खत्म ना किया जाए, हम सहमत हैं। हमारा कहना एक ट्रांसपेरेंट एरिया, मान लीजिए 2-3 किलोमीटर के एरिया में रेडियल एक स्थान तय करके उनको वहाँ रोजगार दिया जाए, पर रोड पे अतिक्रमण ना किया जाए जो कि आम आदमी के जीवन में निकलने में आप और हम और उनको खुद को भी सारे लीडर। पर इसमें तो विधायक ही सामने आ रहे हैं, कहीं कोई बीजेपी का विधायक, कहीं कोई पूर्व विधायक, कहीं कोई निर्दलीय, तो ये जो सामने आ रहे हैं इनकी भी तो आपको आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि आप तो अधिकारी कर्मचारियों की हिमायत करते हैं। नहीं बिल्कुल, निश्चित रूप से हम इसके लिए संघर्ष करेंगे, हम लोगों ने प्लान किया है, आपको एक आध हफ्ते के अंदर आपको ये दिखेगा, और हम डेफिनेटली जो सही काम हो रहे हैं उनके सपोर्ट में रोड पर आएंगे, और ये जो नीतियों गलत नीतियों के विरोध में जो पार्टियां दोनों पार्टियां आंदोलन कर रही हैं, हम उनका विरोध करेंगे, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम एक अच्छी साफ नीति का समर्थन करेंगे और जो गलत बात होगी उसका विरोध करेंगे, ऐसा हम प्लान करके आगे चल रहे हैं। आशीष जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सरकार कैसा काम कर रही है और क्या ये आकलन का सही वक्त है एकदम? देखिए सरकार जैसा काम की शुरुआत सरकार ने की, तो मुझे जो लगता है कि पिछले तकरीबन 1.5-2 महीने से सरकार काम कर रही है, ऐसा लगता है कि अब काम सरकार ने शुरू किया है, क्योंकि इसमें कुछ स्वाभाविक चीज़ें भी हमें मानना चाहिए कि सरकार के पास काम करने का उस वक्त समय नहीं था जब वो सत्ता में जब उसने सरकार संभाली थी, उसके बाद उसके पास चुनाव थे, चुनाव के साथ उस लोकसभा चुनाव की चुनौतियां थी, उस समय कैबिनेट का विस्तार, प्रशासन का बदलाव और बहुत सारी चीज़ों से वो शुरू हुआ था। तो अभी पिछले आप देखिएगा, मुझे भी ऐसा लगता है कि पिछले 1.5 महीने से सरकार एक ढर्रे पे आती हुई नज़र आ रही, लौटती नज़र आ रही है। ट्रांसफ़र वाला पार्ट अलग कर दिया जाए तो सरकार ने काफ़ी काम करने की कोशिश की है, उसने अपने वचन पत्र पर सरकार लौटी है, बहुत सारे वादे पूरे किए जा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है, जो आर्थिक चुनौतियां हैं, वो बहुत ज़्यादा इजाज़त नहीं देती, लेकिन सरकार ने जिस तरह से बजट पेश किया है उससे उसकी नीति भी और नियत दोनों समझ आ रही है कि वो काम करना चाह रही है, वो डिलीवरी देना चाह रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अभी काम पर लौटी है या काम पर सही ट्रैक पर अब आई है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा समय सरकार को देना चाहिए उसके प्रॉपर आगे। नेता जिस तरह से हर चीज़ में अड़ंगेबाजी कर रहे हैं, विपक्ष का एक कर्तव्य होता है कि सकारात्मक तौर पर अगर वो विरोध करे तो जनता को भी अच्छा लगता है, पर कुछ भी विरोध करना, उनने कहा एमपी नगर से गुमटी नहीं हटने दूंगा, यहाँ से झांकी नहीं हटने दूंगा, ये मतलब क्या अड़ियल रवैया है या फिर अभी सत्ता का मद जो है वो दूर नहीं हो रहा कुछ पूर्व विधायकों में या वर्तमान विधायकों में? नहीं, ये दोनों ही चीज़ें हैं। तो कांग्रेस जिस तरह का रवैया अभी अपनाया जा रहा है, तो आप ये सोचिए कि मध्य प्रदेश में और अभी कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है, तब इनका इनके जनप्रतिनिधियों का इस तरह का रवैया है, तो जब सरकार होती होगी तो कितना दबाव होता होगा प्रशासन पर
और किस तरह से ये अपनी बात मनवा लेते होंगे। शिवराज सरकार में तो चलता ही नहीं था ना उतना रसूख। हाँ, ये भी ये आप मान सकते हैं कुछ गुटी तालमेल होते होंगे जिसकी वजह से ये चीज़ें नहीं हो पाती, लेकिन जो एक गुमटियों वाला मामला आया है वो मामला बीजेपी के समय भी था और उस समय उनकी पूरा होल्ड था वहाँ पर। भोपाल में गुमटियाँ खूब रखी गई, खूब रखवाई गई, अब चूँकि हट रही हैं तो ये एक विद्रोह हो रहा है। लेकिन नगर निगम पर ताले लगा देना, नगर निगम पर बैठ जाना और इस तरह से, मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा के नेताओं के पास अभी कुछ एक प्रॉपर लाइन शायद उनके पास नहीं है कि उनको किस तरह से किस लाइन एक्शन लाइन ऑफ एक्शन उनको क्या लेना है सरकार को लेकर के। इसलिए ये सारी चीज़ें ये उभर रही हैं और एक मतलब पूरी भाजपा में विपक्ष के तौर पर एक 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 लाइन या एक वो नहीं नज़र आ रहा है, एक रिदम नहीं नज़र आ रही। बिल्कुल जी महेश जी, चूँकि आप तो बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं पार्टी के और आपने वो दौर भी देखा है जब कुशाभाऊ ठाकरे और उनके जितने समकालीन नेता थे वो जो नए कार्यकर्ता रहते थे उनको अनुशासन सिखाते थे, मर्यादा सिखाते थे, और आपकी पार्टी का नारा भी था त्याग तपस्या बलिदान, गलत चीज़ों के लिए कभी आपने सपोर्ट नहीं किया। पर अब लोग आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि आप अच्छी चीज़ों को उठाएं सामने, बजाय इसके कि गुमटी झांकी इनके लिए धरने पर बैठ रहे हैं, जनता की भी गालियाँ खा रहे हैं, पार्टी तो ऊपर से दे ही रही है। आपने देखा ही आकाश विजयवर्गीय का जो केस आया कि कुछ नहीं तो बल्ले से ही धुत दिया अधिकारी को, तो ये अब इनसे कुछ दूरी बनाएंगे आप या संगठन में कुछ ऐसी कुछ ट्रेनिंग आप फिर से शुरू होगी या पूरी बंद हो गई? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण की परंपरा लंबे समय से थी, है और रहेगी, आगामी दिनों में भी आप देखेंगे। संगठनात्मक हमारी सदस्यता का अभियान वर्तमान में चल रहा है, उसके बाद जो नवागत कार्यकर्ता आएंगे उनका प्रशिक्षण भी होगा। जहाँ तक आपने बात कही कि इस प्रकार की घटनाएँ, तो इस प्रकार की जो भी घटनाएँ होती हैं उसको तत्काल पार्टी संज्ञान में लेके उस पर हमारी जो अनुशासन समिति है वो कार्रवाई भी करती है। दूसरी बात, आज हम बैठे हैं कि सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, प्रशासन किस प्रकार से काम कर रहा है। यदि प्रशासन कोई ऐसा काम करने जाता है जो कि जनहित का ना हो, जो जनता के विरोध में हो, तो उसकी बात उठाने का अधिकार तो सार्वजनिक जीवन में जनता के जो प्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, उनको बनता है और वो करते हैं। बिल्कुल उसके तरीके प्रधानमंत्री है, सुनिए प्रधानमंत्री है हम सबके, आपकी पार्टी के तो सर्वोच्च लीडर हैं वो जी। उनको कहाँ वहाँ से कहना पड़ा दिल्ली से कि ये बल्लामार विधायक जो है इसको तत्काल एक्शन लो, और वो जिनने इनका सपोर्ट किया उन पर भी एक्शन लो। आपने वहाँ उनको एक नोटिस जारी किया और उसके बाद सब कान में रुई डाल के ठूस के बैठ गए कि अब मोदी जी कुछ कहें तो करें हम। अरे आपको कुछ एक्शन लेना चाहिए था, भले ही दो दिन के लिए आप सस्पेंड करते, भले ही आप जिसको कहें उनको निंदा उनके लिए देते, कुछ तो ऐसा करते जिससे लगता कि नहीं वाकई आप मोदी जी का मान रखते हैं। देखिए, पार्टी के अनुशासन समिति ने यदि नोटिस दिया तो निश्चित रूप से वो कार्रवाई की परिधि में आता है। उसके बाद अनुशासन समिति ये तय करेगी कि उस पूरी घटना में किस प्रकार का क्या रहा है, उसके आधार पर वो कार्रवाई की जाएगी। चूंकि अभी उसमें समय है, कहना गलत है? नहीं, बिल्कुल कहीं गलत नहीं है। माननीय मोदी जी ने जो बात कही है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भी उसी बात को मानती भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से निकले हुए कार्यकर्ता भाव वाले प्रधानमंत्री इस राष्ट्र को मिले हैं। हमारे अंदर निश्चित रूप से कार्यकर्ता भाव प्रधानमंत्री से लेके और एक सामान्य कार्यकर्ता तक रहता है, यही भारतीय जनता पार्टी है। ये एक परिवार की पार्टी नहीं है कि एक परिवार के प्रति अपना पूरा समर्पण कार्यकर्ता रखता है, यहाँ यहाँ राष्ट्र के प्रति समर्पण पहले होता है। सुनिए, परिवार की पार्टी का एक खूबी यह है कि अगले ने कहा मैं इस्तीफा दूंगा तो दिया, कितने ही चापलूसों ने उनको कहा कि मत दीजिए पर उनने दिया। अब आप सुनिए, आपके यहाँ ये स्थिति हो रही है कि कुछ भी जैसे अनुशासनहीनता की जो पराकाष्ठा जिसको कहते हैं, छोटे से छोटा कार्यकर्ता आज ये नहीं समझ रहा कि भैया ये कौन है महेश शर्मा जी, उनका होंगे यार कोई, हमें क्या लेना देना। ये जो भाव पैदा हो गया है और हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, ये जो घमंड आ गया है कि खुद को भगवान समझ रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, आज प्रभात झा जी ने कहा जो आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। देखिए, प्रभात जी का जो ट्वीट आया, निश्चित रूप से मुझे लग रहा था कि ये प्रश्न आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रभात जी उस कार्यकर्ता भाव को अपने अंदर महसूस करते हैं। उन्होंने यदि कोई ऐसा विषय देखा संगठन के कार्यकर्ताओं के अंदर, तो उस निमित्त उन्होंने कार्यकर्ताओं को ये विषय ये ट्वीट के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि पहले प्रत्येक कार्यकर्ता के अंदर कार्यकर्ता भाव होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कार्यकर्ता भाव प्रत्येक बड़े से बड़ा पदाधिकारी भी रखता है। तो ये नसीहत हमें समय समय पर हमारे वरिष्ठ नेताओं द्वारा दी भी जाती है, उसे अन्यथा लेने की मुझे लगता आवश्यकता नहीं। बताइए आशीष जी, इसको अन्यथा लें कि नहीं लें, या फिर ये बीजेपी की अंदरूनी कलह है
या फिर माथा फोड़ी है, क्या है क्या ये? देखिए बीजेपी के अंदर अभी सत्ता से वापस सत्ता से उतरने के बाद बीजेपी के पास अभी कोई एक विचार नहीं है, कोई एक स्थिति नहीं है कि उन्हें क्या करना है। उन्हें कांग्रेस का विरोध करना है, लेकिन उस विरोध को किस तरह से करना है, जनता में उसकी इमेज क्या जानी है, क्या उसका असर पड़ेगा, ये सारी चीज़ें अभी बीजेपी में इस पर मुझे लगता है विचार नहीं हुआ है। और बीजेपी में जो बिखराव है, जो बिखराव नजर आता है ऊपर से लगता है बीजेपी का, लेकिन अंदर से कुछ नेताओं में और कुछ चीज़ों में बिखराव है। हम देख चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा, आप आज प्रभात झा, हर आदमी का एक अपना लाइन ऑफ एक्शन है, हर आदमी अपने तरह से काम कर रहा है वहाँ पर। जिस तरह से संगठन में तपस्वी लोगों को रखा जाता है, संगठन महामंत्री जी, अब प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं सुहास भगत जी, वो कोई निर्देश देते हैं तो विधायक, पूर्व विधायक ऐसे समझते हैं कि भैया ये तो ऐसे देते ही रहते हैं। ऐसा पहले कभी आपने अपने पत्रकारिता के इतिहास में देखा है कि संगठन महामंत्री कुछ कहे और किसी की हिम्मत हो जाए कि उसको मना कर दे? नहीं नहीं, इस तरह का कभी इस तरह से नहीं हुआ है। और बल्कि बहुत इसके अनुशासन के भी बहुत बड़े बड़े उदाहरण है भाजपा में, किस तरह से भाजपा अनुशासित होकर और अपने संगठन का आदेश माना करती थी। और ये अभी ये जो डिटोरिएशन हम देख रहे हैं पिछले एक दो साल से बहुत तेज़ी से हुआ है ये, और उसकी एक ये भी वजह लगती है कि पार्टी में जो अभी पिछला जो दौर था पार्टी में सरकार का, उसमें सरकार में संगठन थोड़ा सा गौण हो गया था, उसमें सारा संगठन सरकार के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया था, हम कह लें मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द इकट्ठा था, मुख्यमंत्री की पसंद के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो संगठन में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उस वक्त से जो उसमें गिरावट आनी शुरू हुई, तो वो अभी वो बिखराव साफ नज़र आ रहा है। ये आप कुछ कहना चाह रहे हैं महेश जी? देखिए मैं इससे इत्तफाक नहीं रखता, आशीष जी की अपनी आकलन और राय हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक निर्णय होते हैं और एक बार जब निर्णय हो जाता है तो प्रत्येक कार्यकर्ता उसके साथ ही कदम ताल करता है। वहीं अपन दूसरी तरफ देखें तो राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रादेशिक स्तर तक इकाइयाँ अपनी मनमर्जी का काम कर रही हैं, चाहे कर्नाटक देख लें आप, चाहे मध्य प्रदेश देख लें, चाहे छत्तीसगढ़ देख लें, और चाहे राजस्थान देख लें, आपने क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे आपके नेतृत्व में आपका विश्वास नहीं है, नहीं तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये नहीं कहना पड़ता कि मैं अकेला हार की जिम्मेदारी ले रहा हूँ, बाकी लोग इस्तीफा ही नहीं दे रहे हैं। ये दिखाई देता है कि आपके राष्ट्रीय जो नेता है उनमें आपका कितना विश्वास है। आपको ये कहने के बाद मैं ये कह रहा हूँ आप कांग्रेस बनना चाहते हैं? नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अलग दल है। कांग्रेस में तो कई बार सुनिए, कांग्रेस बीजेपी दोनों में टूटन हुई, पर सवाल ये है कि आपके यहाँ जब टूटन हुई तो वो व्यक्ति अलग थलग पड़ गया, कांग्रेस में उन्होंने अपना वर्चस्व, क्योंकि इनके यहाँ कांग्रेस में तो गुटबाजी ही इनकी USP है। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या आप इनकी राह पे चलना चाहते हैं या नहीं? आप एक आदर्श पार्टी बन के प्रदेश में, देश में यही संदेश देना चाहते हैं कि नहीं, जैसे मोदी जी ने कहा कि अब विनम्र बनना सीखो, अब उन्होंने ये कहा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, सवाल ये है आप विश्वास तो अर्जित कर नहीं रहे और कूटा पार्टी और कर रहा है लोगों के साथ, तो ये ठीक है? देखिए निश्चित रूप से उस घटना को माननीय मोदी ने जिस प्रकार से कहा संसदीय दल की बैठक में कहा, और बहुत स्पष्ट रूप से मैं भी ये मानता हूँ, पार्टी का यही मत है कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। कैसी भी घटना हो, किसी भी परिस्थिति में आपको अपनी विनम्रता नहीं छोड़नी चाहिए, सार्वजनिक जीवन में आपको अहंकार से दूर इतना विनम्र होना चाहिए कि आप समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की समस्या के लिए ना सिर्फ संघर्ष कर सके, उसकी बात को समझ के जो उसको वास्तविक जरूरत है उसके लिए संघर्ष करने का काम करें। अच्छी बात कही है आपने, और ये वो प्रशिक्षण का असर है जो कभी आपने हासिल किया है। यहाँ संतोष जी आपसे ये बात कि पार्टियों में, खासतौर पर बीजेपी में, बीजेपी से उम्मीद इसलिए ऐसी नहीं क्योंकि ये कार्डर बेस्ड पार्टी है, अधिकारी कर्मचारी थोड़ा सा प्रो बीजेपी इसलिए हुआ करते थे कि इनके अनुशासन था, इनके नेता गरिमापूर्ण चरित्र का प्रदर्शन करते थे। क्या अब आपको लगता है कि ये लोग अब वैसा करते हैं या फिर बस पैसा कमाना है कहीं से भी तो कुछ भी करो? नहीं, ये बात बिल्कुल सत्य है, मैं इस बात से पूर्ण सहमत हूँ कि हमने राजनीतिक लोगों का जो स्तर देखा है अभी जो बीजेपी के, मेरे तो ये आपको ये बोलता हूँ कि मोदी जी के कारण रुका, लगातार घटनाएं हुई, मतलब ये हमारा कहना है कि भाई कानून किसी को हाथ में नहीं लेने का राइट है, मान लीजिए किसी अधिकारी ने कोई गलती भी करी तो आप उसका कंप्लेंट करिए, उसको एक्शन कराइए, पर मारपीट करना कोई तरह नहीं। आप सतना में देखिए वो CMO का सर फोड़ दिया, यहाँ की घटना देखिए, मतलब लगातार घटनाएं हो रही थी, स्थिति अभी भी भोपाल में हो रही है, भोपाल में हुई। मैं यही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अभी स्थिति ये बन रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एक दौर सा चल गया था,
मतलब जैसे वो बल्ला वाला कांड हुआ ना, इसके बाद तो ऐसे लगातार हर किसी के साथ मारपीट की घटनाएं हो रही थी। तो मेरा कहना है कि जब मोदी जी ने कुछ कहा है तब से थोड़ा सा मैं मान सकता हूं कि उनको कुछ समझ आई है, बाकी तो ऐसा लगने लगा था कि गुंडागर्दी पे बीजेपी उतर आई है। उस पीरियड में तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि टोटली गुंडागर्दी पे उतर आई है, हर किसी को ऐसा लग रहा था आज। मगर थोड़ा सा क्योंकि मोदी जी ने, और आज की कंडीशन में आपको बताऊं, ये कार्यकर्ताओं को इस बात को गंभीरता से सोचना चाहिए कि आज बीजेपी नहीं जीती, मोदी जी जीते हैं, मोदी जी का व्यवहार जीता है, उस आदमी की तारीफ करना पड़ेगी, उस आदमी के बदौलत। चलिए ये अच्छी बात है कि विपक्ष भी उनकी तारीफ कर रहा है। यहाँ आशीष जी मैं आपसे पूछना चाहूँ कि चूंकि कांग्रेस में तो ये जो चल रहा है कोई नया नहीं है, हम वर्षों से देखते आ रहे हैं, 35 सालों से निरंतर ऐसा ही चलता है कि एक गुट का मुख्यमंत्री बन गया, दूसरे के कुछ मंत्री बन गए, फिर वो आपस में खींचतान चल रही है, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है। पर बीजेपी की अगर हम बात करें, मोदी जी ने जो कहा क्या उसका अक्षरशः यहाँ पालन हो पा रहा है या अभी भी ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि संगठन उतना जिसको कहें सख्त नहीं है, निस्तेज टाइप का है, इस वजह से ऐसा हो रहा है? बिल्कुल, संगठन ही इसके लिए सबसे बड़ी इसका वो माना जाएगा कि संगठन की थोड़ी सी कमजोरी है या संगठन की कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो इन सब चीज़ों पर अंकुश नहीं लगा पा रहे, एक बेहतर संदेश अच्छा विपक्ष का नहीं दे पा रहे। मोदी जी ने जो कहा उनकी मंशा साफ थी, मोदी जी भाजपा की जो छवि है उसको ज़्यादा उभारने की प्रयास में थे, और ये इस तरह के प्रयास, इस तरह की जो कोशिशें हैं वहाँ जनप्रतिनिधियों की, वो बार बार उसको पीछे ला रही हैं। मोदी जी ने जो कुछ कहा उससे तो ये लगता था कि रातों रात अब कोई निर्णय हो जाएगा और कोई बहुत सख्त होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में दिखता नहीं है। वो एक सुनी सुनाई बातें हैं कि ठीक है अनुशासन जिन्होंने तो तोड़ा है उनके, उन पर कुछ कार्रवाई हुई है, उनसे पूछताछ हुई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई भी उस बात को मान नहीं रहा है कि इस तरह की कोई कार्रवाई की गई। देखिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, दिखना चाहिए ताकि उसमें नीचे तक मैसेज जाए। और यही मोदी ने भी कहा था कि वो उस विधायक के साथ साथ जो लोग उनके साथ मंच पर नजर आए थे, समर्थन पर नजर आए थे, सब पे कार्रवाई हो, तो लेकिन अभी तो जो मूल कथित तौर पर जो दोषी है मूल उन पर ही कार्रवाई का कोई चीज नहीं दिख रही, तो बाकी पे क्या कैसे होगा? बिल्कुल महेश जी, यहाँ ये बात भी उठती है कि चूंकि जिस प्रशिक्षण की अपन बात करते हैं, जिस आदर्श की बात करते हैं, तो वहाँ ये भी बात उठती है कि अगर संगठन तेज तर्रार है, सख्त हैं आपके पदाधिकारी, तो वो असर नीचे नहीं दिख रहा। कोई उनको शिकायत करता है, उनने कहा हाँ ठीक है आ गए, कहना दे गए होंगे, चलो कहना इनका व्यक्तिगत मामला है, छोड़ो, ऐसा है क्या? देखिए ऐसा कहीं भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम है काम करने का, जब कोई शिकायत आती है चाहे कि किसी अन्य के द्वारा आए चाहे पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा आए, तो अनुशासन समिति उस पर पूरी गहन तरीके से विचार करती है। एक पक्षीय निर्णय नहीं होता, जब भी कोई निर्णय होता है तो पूरे घटना की जांच होने के उपरांत क्या वो उस परिधि में आता है तो निश्चित रूप से उस पर समिति काम करती है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, नेता पुत्रों की ऐसी बाढ़ आई हुई थी मोदी जी के इस कदम के पहले या अमित शाह जी के इस कदम के पहले कि परिवारवाद को पार्टी बढ़ावा नहीं देगी, और इस लोकसभा चुनाव में जिस डंडे के साथ उन्होंने टिकट बांटे हैं, आपको भी पता होगा मध्य प्रदेश में उनने परिवारवाद को सफल नहीं होने दिया। नेता पुत्रों का जो नंगा नाच चल रहा था सत्ता के गुरूर में, वो सब तोड़ दिया उन्होंने। इसके बाद लगाम भी लगी है। अब आपको उदाहरण कहें तो बता दूं, चाहे वो कमल पटेल हों, प्रहलाद पटेल हों, जालम सिंह पटेल हों या कैलाश विजयवर्गीय हों, बहुत सारे ऐसे नेता पुत्र हैं जिन्होंने आपकी पार्टी की नाक कटा के। अभी कुछ और बचे हैं जो वरिष्ठ आपके अनुशासन समिति के, एक तो उन्हीं का पुत्र है। सवाल ये है कि ऐसे लोगों को पार्टी बताएगी बार बार कि भैया दूसरों को तो नसीहत देते फिर रहो, अपने पुत्रों की भी तो देखो। देखिए पार्टी संगठन से बड़ा कोई नहीं होता, सबके लिए सबसे पहले पार्टी है, पहले देश है, उसके बाद पार्टी है। तो पार्टी में जिस दल में आप काम कर रहे हो, उस दल की जो परंपराएं हैं उसका निर्वहन तो प्रत्येक कार्यकर्ता को करना होगा, चाहे वरिष्ठ हो चाहे कनिष्ठ हो, उसी आधार पर पार्टी निर्णय करती है उस कार्यकर्ता के भविष्य के बारे में भी। जहां तक आपने बात कही, तो कोई व्यक्ति अगर नेता पुत्र है और अगर सक्रिय राजनीति में काम कर रहा है तो निश्चित रूप से उसे अवसर नहीं मिला ऐसे लोगों को। बिल्कुल अच्छी बात है ना, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये माननीय मोदी जी इसके लिए बिल्कुल बिल्कुल माननीय मोदी जी आप खुल के ये चीज कह रहे हैं। मैं इस बात को प्रारंभ से कहता हूँ, कोई व्यक्ति सिर्फ नेता पुत्र है ये उसकी कोई योग्यता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल इसमें आप ये भी जोड़ लीजिए, अगर वो
प्रभावशाली नेता का पुत्र है तो उसको टिकट मिलना ही मिलना था, अब नहीं मिला। इस बार उन्होंने नहीं होने दिया, इसके लिए आपको उनका प्रशंसा करनी चाहिए। इस प्रकार की परंपरा भी नहीं, आप ये नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ यदि कोई व्यक्ति सक्रिय रूप से काम कर रहा है, चाहे हमारे भोपाल सक्रिय तो आप भी कर रहे हैं भाई साहब, सुन लीजिए, आप कोई ऐसा नहीं कि निष्क्रिय है, पर सवाल ये है कि ये पहली बार हुआ है संघ ने कहा हो या मोदी जी अमित शाह की जोड़ी ने जो डिसीजन लिया हो कि नहीं हमको परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देना, और इस लोकसभा में चाहे शिवराज सिंह चौहान जी ने अपनी पत्नी के लिए टिकट मांगा हो या कैलाश जी ने मांगा हो या गोपाल भार्गव जी ने मांगा हो, ऐसे बहुत सारे नाम थे जिनको सिरे से खारिज कर दिया गया, ये हुआ था कि नहीं? बिल्कुल, इस निर्णय की तो मुझे लगता है आपके माध्यम से भी प्रशंसा की जानी चाहिए निश्चित रूप से। अगर हम एक परंपरा जो इस देश में वर्षों से चली आ रही है उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इसका स्वागत तो हर मंच से होगा। बोले जी, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि ये जो कांग्रेस में ये परंपरा है और उनके यहाँ कोई बुरा भी नहीं मानता कि ठीक है नेताजी अब उनके बाद उनका लड़का, ये बीजेपी में भी जो आ गया था उसकी वजह से ही जनता इनसे विमुख हुई और ये भी लगने लगा कि अरे अब तो इनका आतंक जैसा चलने लगा है कि पहले पिताजी अब लड़का फिर बहू फिर नाती पोता सब एक साथ चलेंगे सब लगता है। बिल्कुल तिवारी जी, मैं इस बात से सहमत हूँ कि बीजेपी को कांग्रेस से इसीलिए अच्छी पार्टी माना था कि इनमें कुछ अनुशासन, ये जो इनने अभी कुछ इमेज बल्कि खराब की है, मैं आपको ये बात बता दूँ, टिकट ना देके तो बहुत अच्छा किया है, ये बहुत अच्छा मैसेज गया है, परंतु ये जो आज थोड़ा क्रिमिनल टाइप का जो एक बैकग्राउंड बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ होता जा रहा है ये एक दुखदाई है और इस पे मैं निवेदन करूंगा कि इसको गंभीरता से सोचना चाहिए। जो लोग भी गड़बड़ कर रहे हैं, मैं आपको जो जैसा आपने भी कहा कि सारे विधायकों के और सांसदों के पुत्र आज भी गुंडागर्दी कर रहे हैं, और भोपाल में किसको टिकट दिया था आपने? नहीं, टिकट की बात नहीं, मेरी बात, भोपाल में बहुत शरीफ और अच्छा योग्य उम्मीदवार आपने चुना था, आपको ध्यान हो तो, हमने मुझे लगता है हमने बिल्कुल निश्चित रूप से किस प्रकार की छवि उनकी थी, कौन था बताइए, बिल्कुल मैं उनका नाम स्लिप कर रहा हूँ, लेकिन आपने जो उम्मीदवार दिया था उन पे बिल्कुल सपाक्स का उम्मीदवार, गलत बोल रहे हैं आप, नहीं गलत, बिल्कुल सपाक्स का उम्मीदवार, सपाक्स भोपाल से एक ही आदमी था अपना, ये क्या नाम, गाड़े गाड़े कर, और कोई थी नहीं? नहीं नहीं, मैं विधानसभा चुनाव की बात, विधानसभा चुनाव की बात, बताइए नाम, बताइए मैं नाम, कोई हमारे अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति थे उनका नाम मैं निश्चित रूप से आपको मैं नाम देना चाहता हूं जिनको टिकट दी थी, लेकिन उनकी छवि किस प्रकार की थी, उनके ऊपर कितने क्रिमिनल केस दर्ज थे, आज आप अपने आरोप लगाने का काम करते हैं तो निश्चित रूप से तीन उंगलियां आपकी तरफ झुकने वाली है ना। देखिए मेरा कहना, चलिए ठीक है, अब आरोप प्रत्यारोप नहीं है। आशीष जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि चूंकि कांग्रेस की सरकार जैसी हालत में चल रही है वैसी ही चलेगी और थोड़ी थोड़ी वो तेजी भी दिखा रहे हैं, पर ये जो गलती बीजेपी कर रही है कि इश्यूज़ पर काम ना करके अपना रसूख बताने के लिए, चाहे वो विधायक हों चाहे पूर्व विधायक हों, ये जो काम कर रहे हैं, ये स्ट्रेटेजी ठीक है क्या पार्टी की? नहीं, ये स्ट्रेटेजी ख़राब है, ये स्ट्रेटेजी पार्टी को और नुकसान पहुँचा सकती है। अभी तो चूँकि कांग्रेस खुद ही थोड़ी सी स्टेबिलिटी के संकट से जूझ रही है, इसलिए इस तरह का दबाव बनाने की जो तात्कालिक चीज़ें हैं, ये हो सकता है पार्टी को कुछ अच्छा लगता हो या नेताओं को व्यक्तिगत रूप से, लेकिन ये इस तरह के दबाव से ये पार्टी अपनी जो साख है या जो अपना जो भरोसा लोगों का 15 साल इस पर रहा और अभी भी काफ़ी मात्रा में वोट मिले, तो वो धीरे धीरे खोएगी। इसको एक रचनात्मक विपक्ष के तौर पर सामने आना होगा, तब लोगों को कंपेयर करने का मौका मिल पाएगा। क्या सदन में उनकी एकजुटता दिख रही है कि वहाँ भी ये सदन में तो अभी उपस्थिति ही नहीं दिख रही, बजट के दौरान भी कई बड़े नेता वहाँ नहीं थे और कई चीज़ें जो है, मैं अभी बार बार जो मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइनअप कोई चीज़ नहीं है, एक लाइन पे कुछ नहीं है। सदन में भी थोड़ा सा अभी बिखराव है, लेकिन अब बजट पर जब चर्चा होगी तब शायद कुछ चीज़ें समझ में। खैर बजट पर यह अंतिम सवाल आपसे महेश जी की, चूँकि सरकार में कांग्रेस है और आपके पास मौका है, बड़ा सत्र है इस समय, बजट सत्र है ये, इसी में आपकी सदस्य संख्या कम नज़र आ रही है और लोग अपने हितों को लेकर ज़्यादा चिंतित हैं, पार्टी के या इश्यूज़ को लेकर थोड़ा फोकस नहीं कर रहे हैं। ये पार्टी की विधायक दल की बैठक में सारे मुद्दे तय होते हैं, विधानसभा में किस प्रकार से सरकार को किन मुद्दों पे घेरना है सारी रणनीति हमारे विधायक दल तय करता है और उसके आधार पे ही आपको दिखाई देगा जब बजट पे चर्चा होगी। तो हो शुरू तो, चर्चा, वो तो चर्चा शुरू हो गई, पर दिखाई हमें ये दे रहा है कि फर्स्ट हाफ में तो कुछ नज़र भी आते हैं, उसके बाद जो गायब होते हैं भोजन के बाद, तो वो तो फिर एक जिसको कहना कि एक चौथाई लोग नज़र नहीं आ रहे हैं,
ये अच्छी बात है क्या? देखिए कांग्रेस पार्टी की सरकार ये यूटर्न की सरकार है, जहाँ पे खुद के विधायकों को रोज गिनना पड़ रहा है, मंत्रियों की ड्यूटी लगानी पड़ रही है, मंत्रियों की ड्यूटी एक एक विधायक पे लगानी पड़ रही है कि पांच पांच विधायकों पे एक मंत्री देना पड़ रहा है, सरकार की क्या स्थिति होगी। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, यहाँ प्रत्येक जो हमारा विधायक है उसको जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं उसी अनुसार वो सदन में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। बिल्कुल आशीष जी, अंतिम सवाल आपसे, क्या वाकई जो विधायक दल है उसमें गोपाल भार्गव जी के अधीन ये सब लोग काम करने के लिए मतलब आतुर हैं, या फिर सब अपनी अपनी जिसको कहें ढपली अपना अपना राग लेके कूद रहे हैं इधर उधर? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी गोपाल भार्गव को एक विधायक दल का मतलब भाजपा के विधायक दल का नेता बनने के लिए अभी थोड़ा और प्रयास करना पड़ेगा। उन्हें बहुत दिक्कत है क्योंकि भाजपा में विधायकों का एक बड़ा वर्ग है जो पूर्व मुख्यमंत्री के साथ है, अटैच है, और उनको उनके उनकर उन पर अपना नेतृत्व स्थापित करने के लिए भार्गव जी को और बेहतर तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज करना होगा। बिल्कुल, मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं बात करूं अगर जनता की, तो जनता ये चाहती है कि जितने भी उनके जनप्रतिनिधि हैं वो जनता की बात करें, ना कि स्वहित की। हो ये रहा है कि चंगू मंगुओं के चक्कर में बीजेपी के कुछ नेता न केवल खुद बदनाम हो रहे हैं बल्कि पार्टी को भी बदनाम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि वो किसी इशू बेस्ड पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जा रहे हैं, वो अपने हित देख रहे हैं। इससे पार्टी संगठन भी नाराज है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस तो ऐसे ही हिचकोले खाती हुई सत्ता में चलती है, और कोई नई बात भी नहीं है कि उनके यहाँ मंत्री कौन कब कितने दिन रहेगा, और क्या बीजेपी अपना कार्डर अपनी नीति भूल चुकी है। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर, न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।